आईएमडी ने कहा कि अगले 5 दिनों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ अलग अलग स्थानों पर तेज हवाएं चलने की संभावना है। इस दौरान हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर घंटे रह सकती है। इसके अलावा एक पश्चिमी विक्षोभ को निचले क्षोभ मंडल स्तर पर ईरान और उससे सटे अफगानिस्तान के ऊपर एक चक्रवाती परिसंचरण के रूप में देखा जाता है। इसके कारण 5 और 6 मई को जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में गरज और बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा कि 5 और 6 मई को अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम, मिजोरम और त्रिपुरा में अलग अलग स्थानों पर बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों में आने वाले 48 घंटों में मौसम में बदलाव होने की आशंका है। कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है, बिजली गिर सकती है। मौसम विभाग के अनुसार वायुमंडल में व्याप्त सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का असर अगले 48 घंटों में यूपी में नजर आने लगेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में मौसम में बड़ा बदलाव हो सकता है। इससे सूबे में भीषण गर्मी से परेशान लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। यूपी के इन जिलों में हो सकती है बारिश। मौसम विज्ञान विभाग ने पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, हरदोई, सीतापुर, लखनऊ, बारामबकी, रायबरेली, अमेठी, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, इलाहाबाद, जौनपुर, सोनभद्र, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, अयोध्या, बस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, अम्बेडकर नगर, गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, गाजीपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, बलिया, वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर और उनके आसपास के इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी हुई है। इन इलाकों में आइसोलेटेड स्थानों पर धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। राजस्थान मौसम विभाग की माने तो आज से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से कुछ जगहों पर मौसम का मिजाज बदलने के आसार है। मौसम केंद्र जयपुर ने येलो अलर्ट जारी किया है। जोधपुर, चुरू, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, जैसलमेर में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने के आसार है। कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना जताई गई। एमपी मौसम विभाग की माने तो ईरान की ओर से एक पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा है, जिसके प्रभाव से 5 मई की शाम से फिर मौसम में बदलाव दिखेगा। 6 और 7 मई को भोपाल समेत पूर्वी और पश्चिमी एमपी में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। विंध्य, महाकौशल, बुंदेलखंड के 13 जिलों, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, मैहर, अनूपपुर, शहडोल, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पन्ना में गरज चमक के साथ बारिश होने का अनुमान है। पूर्वी इलाकों में इसका ज्यादा असर दिखेगा। मई के तीसरे और चौथे हफ्ते में बारिश होने के संकेत हैं। बिहार के इन 12 जिलों में आंधी बारिश के आसार। मौसम विभाग के पूर्वानुमान, 6 से 9 मई के दौरान उत्तर पूर्व बिहार की राजधानी पटना, सहरसा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार के कुछ इलाकों में बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी हुई है। इसके अलावा भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया में छुटपुट बारिश के आसार जताए गए। 6 मई को झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग के कुछ स्थानों पर गरज और तेज हवा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ वज्रपात और हल्की वर्षा होने की संभावना है। 7 मई को राज्य के कुछ स्थानों पर गरज और तेज हवा के साथ वज्रपात और स्थानों पर गरज के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होने के संकेत है। 8 और 9 मई को राज्य के कई स्थानों पर गरज के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना है। हरियाणा, पंजाब में बदलेगा मौसम। आज के दिन हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब में अलग अलग स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, दक्षिण राजस्थान, हरियाणा के साथ साथ दिल्ली में भी तेज सतही हवाएं चलने की संभावना है। इस दौरान हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। मौसम की हर लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।